हेलो फ्रेंड, तो ये जो खाद है ना हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपने इसका यूज़ अभी कर लिया तो आपको 3 महीने तक अपने प्लांट्स को बिल्कुल खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत ही लाभदायक है हमारे प्लांट्स के लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका यूज़ आप अपने प्लांट्स पर ज़रूर करें। इसका यूज़ आप अपने मोगरा के प्लांट, गुलहर के प्लांट और गुलाब के प्लांट पर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए, इसके डालने के बाद आपके प्लांट्स पर इसी तरह से हैवी फ्लावरिंग होगा और आपका जो छोटा सा छोटा गमला है ना वो फूलों से भर जाएगा। और यह जो खाद है ना इसे डालने से आपके प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा जो गुलाब का प्लांट है ना बहुत ही केयरिंग प्लांट होता है, इसकी बहुत केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप इसके अच्छे से केयर करेंगे तभी आपका जो रोज़ का प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और आपका रोज़ का प्लांट है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अपने रोज़ के प्लांट को ऐसे जगह रखें जहाँ पूरी दिन भर की धूप आती हो, क्योंकि ये हमारे रोज़ के प्लांट को धूप बहुत ही पसंद है। अगर आप इसे धूप वाली जगह पर रखेंगे ना तो भी आपके रोज़ के प्लांट में बहुत अधिक हैवी फ्लावरिंग होगा। हमारे रोज़ के प्लांट को बारिश भी बहुत अधिक पसंद है। अगर आपने अपना जो गुलाब का पौधा है वो ऐसे जगह रख दिया है जहाँ बारिश का पानी बिल्कुल नहीं पड़ रहा है तो आप इसे पूरा बारिश का पानी दे। बारिश के पानी पड़ने से आपका जो प्लांट है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बल्कि इसमें न्यू ग्रोथ शुरू होगी। आपकी प्लांट्स की पत्तियाँ बिल्कुल चमकदार बनेंगी, हरी भरी हो जाएंगी, क्योंकि जो बरसात का पानी होता है ना उसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और स्पेशली रोज़ प्लांट के लिए तो नाइट्रोजन बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होता है। नाइट्रोजन की कमी से ही हमारे प्लांट्स में जो है वो फ्लावर और ग्रोथ नहीं होता है। तो बारिश के सीज़न में ना आप इसकी बहुत सारी कटिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश के सीज़न में ये जल्दी से ग्रो हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमें अपने रोज़ के प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग करना है। सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे ना ही तभी इसमें बहुत सारे मल्टीपर्पज़ ब्रांचेज निकलेंगे और इस तरह से बर्ड्स आएंगे। तो देखिए, हमें अपने रोज़ प्लांट की ना सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और देखिए, सॉफ्ट प्रूनिंग करने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। आप अपने प्लांट्स की हमेशा सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें। बारिश में अगर आप करेंगे ना तो आपने बहुत अधिक हमारे रोज़ के प्लांट को फ़ायदा होगा। इसमें बहुत सारे मल्टीपर्पज़ ब्रांचेज निकलेंगे। अगर आपके रोज़ के प्लांट में कीड़े मकोड़े या फंगस वगैरह हो गए हैं ना तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का भी स्प्रे कर सकते हैं। बेकिंग सोडा को ना एक लीटर पानी में मिलाना है और अपने जितने भी रोज़ के प्लांट में फंगस वगैरह लगे हैं या फिर कीड़े मकोड़े वगैरह लगे हैं ना उसमें स्प्रे कर देना है। या फिर आप हल्दी का भी स्प्रे कर सकते हैं। हल्दी को आप अपने रोज़ प्लांट की मिट्टी में डाल देंगे ना तो आपकी जो प्लांट की मिट्टी में कीड़े मकोड़े या फंगस वगैरह रहेंगे ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमें तो रोज़ प्लांट को इस तरह से कीड़े मकोड़े और फंगस से बचाकर बिल्कुल रखना है। अगर एक बार ये कीड़े मकोड़े और फंगस आपके रोज़ के प्लांट में लग गए या फिर इसके जड़ में लग गए ना तो ये आपके पूरे प्लांट्स को ख़राब कर देगा। महीने में कम से कम 2 बार अपने प्लांट्स की रोज़ के प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि हमारे रोज़ प्लांट के लिए खाद, प्रूनिंग और गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें अगर आपने रोज़ के प्लांट में कर लिया ना तो आपका जो रोज़ का प्लांट है वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसे हमें कौन सा खाद देना है ताकि हमारा रोज़ का प्लांट है वो पूरी सर्दी अच्छे से फ्लावरिंग कर सके, और इसे हमें दूसरे बार खाद देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़े। यह बिल्कुल पावरफुल खाद है फ्रेंड्स। इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखें, इसका रिज़ल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो वो है सरसों की खली, और जो सरसों की खली होता है ना उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये सर्दियों में बहुत अच्छा काम करता है हमारे रोज़ के प्लांट के लिए। तो देखिए, इसको क्या करना है, इसका बिल्कुल हमें पाउडर बना लेना है, और पाउडर बनाने के बाद इसे हमें प्लांट्स में डालना है। तो देखिए, इसको इस तरह से पीस लेना है, उसे 1 ही चम्मच देना है हमारे प्लांट्स में। इसकी मात्रा बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई ना तो आपके प्लांट्स को ख़राब कर सकता है। इस तरह से दे देना है, लेकिन इसे देने से पहले हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसी देंगे ना अपने प्लांट्स में तो ये बिल्कुल आपका जो प्लांट है ना वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये ऊपर में पड़ा रहेगा और फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी खाद देते हैं ना अपने प्लांट्स में तो उसमें गुड़ाई ज़रूर कर लें। गुड़ाई करने से ना जो होते हैं ना वो जल्दी से हमारे जड़ तक, हमारे प्लांट्स के जड़ तक पहुँचते हैं और जल्दी से काम करना शुरू करता है। तो देखिए, इसका यूज़ हमें प्लांट्स की जड़ के पास बिल्कुल नहीं करना है। प्लांट्स की मिट्टी को इस तरह से हटा लेना है और किनारे किनारे देना है, और इसे मिट्टी से ढक देना है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, इसको जड़ के पास नहीं देना है, हमें इसे इस तरह से किनारे किनारे में दे देना है और इसे मिट्टी से ढक देना है, और खाद देने के बाद पानी ज़रूर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी ज़्यादा गीली है ना तो आप गीली मिट्टी में इसका यूज़ बिल्कुल ना करें। मिट्टी हल्की सी सूख जाए उसी के बाद इसका यूज़ करें। तो देखिए, इसका हम फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है,
एक लीटर पानी ले लेना है और एक लीटर पानी में एक केले के छिलके को डाल देना है और एक चम्मच, ये देखिए एक चम्मच जो सरसों की खली है उसको डाल देना है और इसे अच्छे से मिला लेना है और फार्मेट होने के लिए एक दिन के लिए छोड़ देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, लेकिन इसे एक दिन बाद नॉर्मल पानी में मिलाकर देना है। तो देखिए जो केले का छिलका होता है ना, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और आयरन की मात्रा होती है जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जो केला होता है ना हमारे रोज़ प्लांट के लिए तो बहुत ही बेस्ट होता है। इसका यूज़ आप अपने रोज़ के प्लांट पर ज़रूर करें। तो केले का छिलका और जो सरसों की खली है ना, दोनों ही हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट्स पर डालेंगे ना, तो इसका जल्दी असर होगा। और बारिश में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा करें अपने प्लांट्स पर। और जो हम ठोस जो देते हैं ना खाद हमारे प्लांट्स को, उसका असर थोड़ा धीरे से होता है, लेकिन जो लिक्विड हम बनाकर अपने प्लांट्स को देते हैं ना, उसका असर जल्दी से होता है। अभी अगस्त के महीने में अगर आपने अपने रोज़ के प्लांट को इस खाद को दे दिया ना, तो पूरी सर्दी आपका जो रोज़ का प्लांट है वो हैवी फ्लावरिंग करेगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।